आज का हमारा चैप्टर है फार्माकोग्नोजी में परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स तो आज हम परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे इन इनमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आते हैं उनको हम डिटेल में करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल परफ्यूम्स क्या होते हैं परफ्यूम्स है जो वो सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरल एंड सिंथेटिक कम्बिनेशन के साथ मिल बनते हैं और ये क्या प्लेजेंट ऑर्डर क्रिएट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सैंडलवुड ऑयल सैंडलवुड ऑयल है जो वो प्लेजेंट ऑर्डर क्रिएट करता है फिर नेक्स्ट है फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट क्या है कि नाम से ही पता लगता है कि ये फ्लेवर्स देते हैं हमें ठीक है तो ये क्या सब्सटेंस होते हैं जो कि हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में एज अ फ्लेवर यूज़ करते हैं ठीक है ये फ्लेवर्स शो करते हैं हमें फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन ऑयल पेपरमेंट ऑयल तो ये है फ्लेवरिंग एजेंट्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेमन ऑयल के बारे में लेमन ऑयल के बारे में इसकी बायोलॉजिकल सोर्स माइक्रोस्कोपी इसमें कौन से केमिकल कॉन्सेंट प्रेजेंट होते हैं या यूजेस इसके तो ये पढ़ेंगे हम लेमन ऑयल में तो लेमन ऑयल का सैनोनियम है कॉर्टेक्स लिमोनिस बायोलॉजिकल सोर्स है इसका ये हमें लेमन पील है जो फ्रूट्स के आउटर पार्ट से मिलता है हमें स्पीशीज है सिट्रस लेमोनिस लेमन पील इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द फ्रूट्स ऑफ सिट्रस लेमोनिस ठीक है सिट्रस लेमोनिस है जो इसकी स्पीशीज है और फैमिली है इसकी रोटेसी ये रोटेसी फैमिली से बिलोंग करता है फिर नेक्स्ट है जियोग्राफिकल सोर्स जियोग्राफिकल सोर्स में ये कहाँ कहाँ कल्टिवेट होते हैं कौन कौन से स्टेट में हमें मिलते हैं कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं उसके बारे में हैं. तो इट इज़ कल्टिवेटेड इन इटली स्पेन कैलिफोर्निया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड इन उत्तर प्रदेश पंजाब महाराष्ट्र एंड कर्नाटका देन उसके बाद आ गया माइक्रोस्कोपिक स्टडी माइक्रोस्कोपिक स्टडी में हम देखेंगे कि कलर लेमन ऑयल का कलर क्या है येलोइश होता है कलर येलोइश होता है जो फ्रेश लेमन पील होता है उसका कलर क्या है जो आउटर सरफेस है वो ब्राइट ग्रीन येलो कलर का होता है और जो ड्राइड पील है उसमें आउटर सरफेस येलो होता है और इनर सरफेस है जो वो वाइट कलर का होता है फिर है ऑर्डर ऑर्डर क्या है इसका स्ट्रॉन्ग होता है एरोमेटिक होता है एंड करेक्टिक होता है नेक्स्ट है टेस्ट टेस्ट में क्या है टेस्ट इसका एरोमेटिक होता है और बिटर होता है ठीक है साइज़ साइज़ क्या है कि फ़ाइव टू सेवन सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी और जो पील्स हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं ठीक है तो ये हो गए माइक्रोस्कोपिक स्टडी देन उसके बाद है केमिकल कॉन्सटेंट्स इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्सटेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो लेमन पील में क्या क्या वोलाटाइल ऑयल होता है ठीक है वोलाटाइल ऑयल में जैसे हिस्पेरिडीन हो गया पैक्टीन कैल्शियम ऑक्साइलेट एंड बिटर सब्सटांस ये प्रेजेंट होते हैं और जो वोलाटाइल ऑफ द ड्रग है जो ड्रग का वोलाटाइल ऑयल है वो मेनली क्या कंटेन करता है लेमोनिन सिट्रल एंड टर्पिन तो ये इसके केमिकल कॉन्सेंट्स हैं लास्ट है यूज़ेस, यूज़ेस में क्या है इट इज़ अ कार्बीनेटिव एंड स्टिमुलेंट ये कार्बीनेटिव है स्टिमुलेंट है और जो ऑयल है वो यूज़ होता है एज अ परफ्यूमिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट तो ये हो गया लेमन ऑयल नेक्स्ट है पेपरमेंट ऑयल तो पेपरमेंट ऑयल को कॉमन नेम क्या कहते हैं इसको साइनोनियम मैंथा एंड पुदेना बायोलॉजिकल सोर्स क्या है कि हमें इट कंसिस्ट ऑफ लीव्स एंड फ्लॉवरिंग टॉप्स ऑफ मैंथा स्पिकाटा मैंथा विरिडिस तो ये हमें लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप से मिलता है स्पीशीज है मैंथा स्पिकाटा एंड मैंथा विरिडिस ये स्पीशीज़ है दो और फैमिली है लेबियटी तो ये लेबियटी फैमिली से बिलोंग करता है फिर है ज्योग्राफिकल सोर्स ज्योग्राफिकल सोर्स है ब्रिटेन फ्रांस यूरोप जर्मनी एंड अमेरिका इन इन स्टेट्स में ये फाउंड होते हैं फिर है केमिकल कॉन्स्टेंट्स केमिकल कॉन्स्टेंट्स में क्या है जो चीफ कॉन्स्टेंट है पेपरमेंट ऑयल का वो वोलाटाइल ऑयल थोल मैंथोन कार्बोन एंड लिमोन जो मैंथोल है वो टेन टू थर्टी परसेंट होता है इसमें तो ये है इसके केमिकल कॉन्सेंट जो पेपरमेंट ऑयल में, में प्रेजेंट होते हैं फिर है यूजेस यूजेज में क्या है दिस इज़ यूज एज कार्मिनेटिव स्टीमोलेंट ठीक है फ्लेवरिंग uh, चिंगम्स में यूज होता है टूथ कन्फेक्शनरीज में फार्मासूटिकल प्रपेश में तो ये है पेपरमेंट ऑयल नेक्स्ट है सेंडलवुड ऑयल सैंडलवुड ऑयल कॉमन नेम येलो सेंडलवुड बायोलॉजिकल सोर्स है इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड हार्ड वुड ऑफ सेंटलम एल्बम लिन तो ये हमें ड्राइड हार्ड वुड से मिलता है स्पीशीज है सेंटलम एल्बम लिन फैमिली है सेंट्रल ए जोग्राफिकल सोर्स कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री में स्टेट्स में ये फाउंड होते हैं हमें इट इज़ ग्रो इन इंडिया इंडिया में ग्रो होता है ये और इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है हमें ये राजस्थान महाराष्ट्र आसाम बिहार गुजरात एंड उड़ीसा तो इन स्टेट्स में एंड कंट्रीज में मिलते हैं हमें ये नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर तो सैंडलवुड का साइज लेंथ है जो वो वन मीटर की होती है डाया है जो फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर का होता है सरफेस सरफेस है जो वो स्मूथ और यूनिफॉर्म फाइबर्स होते हैं इसके स्मूथ विद यूनिफॉर्म फाइबर्स होते हैं कलर है जो येलोइश और पेल रेडिश होता है ऑर्डर है जो वो स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंट होता है स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंट इसका ऑर्डर होता है टेस्ट है जो वो स्लाइटली बिटर होता है इसका सैंडलवुड का नेक्स्ट है क्रैक्टर्स ऑफ ऑयल ठीक है ऑयल का कौन कौन सा करेक्टर होता है जो कलर है ऑयल का वो पेल येलो होता है ऑर्डर है वो प्लेजेंट और स्वीट होता है ऑयल ऑयल का जो ऑर्डर है वो स्मेल है जो उसकी खुशबू वो स्वीट और प्लेजेंट होती है जो टेस्ट है वो वेरी स्लाइटली बिटर होता है फिर है कंसिस्टेंसी इसकी कंसिस्टेंसी ऑयली होती है तो ये ऑयल की मॉर्फोलॉजी होगी फिर है केमिकल कॉन्सेंट्स केमिकल कॉन्सटेंट्स में क्या है वोलाटाइल ऑयल ठीक है इसमें अल्फा एंड बीटा सेंटालिन होता है अल्फा एंड बीटा सेंटा लोल होता है सेंटा लोन एंड सेंटानोन और सेंटेलिनिक एसिड एक्सेट्रा तो ये है केमिकल कॉन्सेंट्स है जो सेंडलवुड ऑयल में ये प्रेजेंट होता है फिर है यूजेस यूजेस में क्या है इट इज़ यूज फॉर हीलिंग वूड्स की हीलिंग के लिए इसको यूज करते हैं और यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डाइसूरिया एंड कफ डसूरिया मीन्स पेनफुल यूरिनेशन होने लग जाती है जब तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं हम इसको ठीक है और कफ़ में और जो इसका वूड है वो हम यूज़ करते हैं फॉर प्रपेरिंग बॉक्सेज बॉक्स की प्रपेशन में इसके वर्ड को यूज़ करते हैं फिर नेक्स्ट है लेमन ग्रास ऑयल लेमन ग्रास ऑयल कॉमन नेम लेम ग्रास बायोलॉजिकल सोर्स है इसका ये वोलाटाइल ऑयल होता है ये हमें कहाँ से ऑप्टेंड होता है डिस्टलेशन फ्रॉम सिम्बो पोगन फ्लैक्स तो ये फ्राम डिस् डिस्टलेशन से हमें मिलता है कौन सी स्पीशीज है सिम्बोपोगन फ्लैक्चुस और फैमिली है इसकी ग्रामिनी ग्रामिनी फैमिली से ये बिलोंग करता है फिर नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल सोर्स ज्योग्राफिकल सोर्स इट इज़ कल्टिवेटेड इन इंडिया बर्मा एंड अमेरिका तो इन कंट्रीज़ में ये कल्टिवेट होता है और इन इंडिया इंडिया में कहाँ कहाँ फाउंड होता है ये पंजाब बॉम्बे एंड बड़ौदा तो नेक्स्ट है फिर करेक्टर्स ऑफ ऑयल ऑयल का करेक्टर्स कलर है रेडिश येलो टू ब्राउन रेडिश येलो टू ब्राउन इसका कलर होता है ऑर्डर है जो वो एज दैट ऑफ लेमन लेमन का जो ऑर्डर खुशबू होती है लेमन की उसी के तरह इस, इसकी खुशबू होती है ऑर्डर उसी के तरह होता है और जो सोलिबलिटी है वो क्या सॉल्युबल होता है अल्कोहल में ये सॉल्युबल होता है अल्कोहल में फिर है केमिकल कॉन्सटेंट्स केमिकल कॉन्सटेंट्स में क्या है मेनली कंटेन क्या करता है ये कौन कौन से इसमें केमिकल कॉन्सटेंट्स होते हैं सिट्रल हो गया ठीक है ट्रेस ऑफ लिनालूल सिट्रेनोलूल ठीक है गेरानियोल लिनालाइल एंड गेरानाइल एसिटेट एक्सेट्रा तो ये है केमिकल कॉन्सेंट्स जो कि इसमें प्रेजेंट होता है फिर है यूजेस यूजेस में क्या है इट इज़ यूज इन परफ्यूम्स सोप एंड कॉस्मेटिक तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं परफ्यूम्स में यूज़ होते हैं सोप में यूज़ होते हैं एंड कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं नेक्स्ट है इट इज़ यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ सिट्रल सिट्रल की आइसोलेशन में भी ये यूज़ होते हैं तो ये हमारा परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गया और कौन कौन सी एग्जांपल्स थी वो हो गई डिटेल में कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं कौन सी स्पीशीज़ है इसकी मॉर्फोलॉजी कैसे कैसी है इसकी ऑर्डर टेस्ट वगैरह साइज शेप कैसा है इसका और जोग्राफिकल सोर्स कहाँ कहाँ से ये हमें मिलते हैं कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं केमिकल कॉन्सेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं इनमें और यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है थैंक यू